दिल्ली में प्रदूषण का है कोई हल? क्यों सरकार नहीं कर पा रही कंट्रोल? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़? क्यों हर साल रोना रोती हैं पार्टियां? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। जब जब दिवाली आती है नेता प्रदूषण का रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ रोना रोने से ये समस्या हल हो जाएगी? क्या इसका कोई परमानेंट तरीका नहीं है? हर बार आखिर एक ही समस्या पर इतना हाय तौबा क्यों किया जाता है? लेकिन अब समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को जमकर फटकार लगाई है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो आपको आगे खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये प्रदूषण की समस्या को खत्म करने में दिल्ली सरकार कैसे नाकामयाब साबित हुई। दरअसल दिल्ली की स्थिति बढ़ते प्रदूषण के कारण बदहाल है। ठंड से पहले आसमान में कोहरे की परत है, जिसके संपर्क में आते ही आंखों में जलन और सांस लेने की तकलीफ होने लगती है। हर रोज राजधानी का बढ़ता AQI नए रिकॉर्ड बना रहा है। आनंद विहार में तो AQI ने 600 का आंकड़ा पार कर लिया था, वहीं बवाना में ये 406 के आसपास था। दिल्ली सरकार और उसके मंत्री हर साल कहते हैं कि वो प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही स्थिति बेहतर होगी। लेकिन हकीकत यह है कि अगर प्रयास वाकई हो रहे होते हैं तो पिछले 10 सालों में AQI का ग्राफ लगातार बढ़ नहीं रहा होता और ना दिल्ली के हालात इतने गंभीर होते। AQI.in साइट के मुताबिक दिल्ली में 4 नवंबर को सुबह दिल्ली का AQI 400 पार था और खबर लिखने तक प्रदूषण मामले में सबसे खराब स्थिति वाले शहर में दिल्ली नंबर 1 पर आ गया है। ऐसे गंभीर हालातों में दिल्ली सरकार एक्शन लेने के नाम पर दिवाली में पटाखों पर बैन लगाने जैसी कार्रवाई कर रही है या फिर दूसरे राज्य की सरकारों पर सारे प्रदूषण का ठिकरा फोड़ रही है, मगर इसका स्थायी निवारण क्या है इस पर कोई बात नहीं हो रही है। अगर दिवाली पर फूटे पटाखों को दिल्ली के बड़े प्रदूषण का कारण मानते हैं तो फिर आपको 28 अक्टूबर जब देश में दीपावली नहीं मनाई गई थी उसका रिकॉर्ड देखना चाहिए। 28 अक्टूबर 2024 को दिल्ली का औसतन AQI 556 रिकॉर्ड किया गया था, जबकि दिवाली के अगले दिन औसत AQI 351 था। इन दो आंकड़ों से ये बात तो स्पष्ट होती है कि पटाखे फोड़ने से वायु प्रदूषण होता जरूर है, मगर इसका सीधा असर दिल्ली में बढ़ते AQI से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में सामान्य दिन की आबोहवा से दिल्ली की अगली सुबह में फर्क होता। खैर, हर साल दिवाली से पहले शायद पटाखे बैन करके आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि वो युद्ध स्तर पर AQI कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, जबकि रिजल्ट देख लगता है कि सरकार दिल्ली की हालत को सुधारने की जगह उसे ढिलाई दिखाने में लगी हुई है। कभी इसी सरकार ने स्वच्छता के मायने में दिल्ली को लंदन जैसा बनाने की बात कही थी, मगर लापरवाही देख ये लगता है कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने के सपने देखने वाली सरकार ने लंदन को देख कुछ नहीं सीखा। अगर सीखा होता तो आज दिल्ली में दम घोटू हवा नहीं चल रही होती। 1952 में लंदन में ऐसे ही प्रदूषण से इकट्ठा हुआ स्मॉग दिखाई दिया था। 4 दिन में इस कोहरे ने 2,00,000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया था और 12,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। उस घटना ने लंदन को उनके पर्यावरण को लेकर सतर्क कर दिया और उसके बाद कभी वैसा धुआं या कोहरा लंदन पर नहीं देखा गया। वहां राइट टू क्लीन एयर कानून बना और लंदन समेत सभी यूरोपीय देशों ने वाकई से सीख ली। वहीं दिल्ली में हालात साल दर साल बदतर हो रहे हैं। शोध के नजरिए से देखें तो इसके कई कारण हैं, जिसे जनसंख्या वृद्धि के कारण दिल्ली में बढ़ते वाहन और उनसे निकलने वाला धुआं, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य, जलवायु परिवर्तन, पड़ोसी राज्य में पराली जलाने की संख्या और भी सारे। अब दिल्ली सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रही है, इस पर कहीं कुछ स्पष्टता से नहीं बताया जा सकता, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। एक तरफ खबरों में आता है कि पराली जलाने का 93% प्रदूषण पंजाब से आता है, तो CM आतिशी प्रेस के सामने दावा करती है कि उनकी सरकार आने के बाद पंजाब में पराली जलाने की संख्या कम हुई है। ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की आबोहवा सुधारने से ज्यादा बड़ा मुद्दा अपनी पार्टी की छवि सुधारना का है। हर बार एक्शन पर बात करने की जगह किसी अन्य राज्य पर सारा ठिकरा फोड़ना आपकी आदत हो गई है, आप पार्टी की आदत हो गई है। ये बात सभी जानते हैं कि अगर प्रदूषण इतना बड़ा है और हवा इतनी खराब हुई है
तो प्रशासन शांति से नहीं बैठेगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो कार्य दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने के लिए कर रही है, क्या वो काफी है या इसमें सख्ती की जरूरत है? और भी अगर जवाब हाँ है तो सवाल उठता है कि अगर अभी तक उठाए कदम पर्याप्त हैं तो फिर बीते सालों में ठंड आते ही बढ़ने वाले प्रदूषण में फर्क क्यों नहीं दिखा? और अगर जवाब नहीं है तो फिर सवाल यह है कि बावजूद ये जानने के लिए इनसे दिल्ली की हवा नहीं सुधर रही या आगे कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? क्या सिर्फ दूसरे राज्यों पर प्रदूषण का ठिकरा फोड़ने से दिल्ली की हवा सुधर जाएगी? गौरतलब है कि मीडिया में अलग अलग जगह से जानकारियां इकट्ठा करने पर पता चलता है कि प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में GRAP 1 को लागू किया गया है। इसके अलावा प्रदूषण करने वाले वाहनों पर कार्रवाई हो रही है और साथ ही धूल को नियंत्रित करने के लिए मैकेनिकल रोड स्वैपिंग मशीनें, पानी छिड़कने वाली मशीनें और एंटी स्मॉग गन का उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण पर गजब पॉलिटिक्स। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता खराब हुई है। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली की आतिशी सरकार और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर विपक्षी दलों ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे पर आप सरकार को घेर रहे हैं। बीजेपी के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी आप सरकार पर बड़ा हमला बोला है। देवेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान को लागू करने में विफल साबित हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के द्वारा लगातार प्रदूषण रोकथाम की घोषणाएं पूरी तरह खोखली साबित हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाके गैस चैम्बर बन गए हैं। शुक्रवार को राजधानी का औसतन AQI लेवल 361 दर्ज किया गया, जो गंभीर स्तर का माना जाता है। बीते कई सालों से दिवाली के बाद प्रदूषण का लेवल खराब हो जाता है। बीते कई दिनों से प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने अपना पानी का छिड़काव अभियान शुरू कर रखा है। 2 सप्ताह पहले भी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की लॉन्चिंग की गई थी। बीजेपी के बाद कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में धूल प्रदूषण के विरुद्ध पानी छिड़काव अभियान केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए चलाया गया है। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले साल भी 14 नवंबर 2023 को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विशेष जल छिड़काव अभियान के तहत दिल्ली में 70 एंटी स्मॉग गन के साथ चलाया था, जो पूरी तरह विफल साबित हुआ। इस साल भी एक विधानसभा में सिर्फ 2 एंटी स्मॉग गन चलाने की योजना है, जो सिर्फ आंकड़ों में रह जाएगी। कपिल मिश्रा पटाखा बैन से परेशान। वहीं दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार के पटाखे बैन पर आप सरकार की चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली में कल और आज के AQI में कोई बहुत भयानक अंतर नहीं है। ये है कि 20 दिन बाद स्मॉग आएगा और 3 महीने दिल्ली सांस नहीं ले पाएगी। उसे रोकने में सुप्रीम कोर्ट भी फेल होगा और दिवाली बैन करने वाले निकम्मा केजरीवाल भी, माय लॉर्ड पॉल्यूशन से लड़ो, हिंदू बच्चों के पटाखों से नहीं। कुल मिलाकर दिवाली के बाद AQI स्तर बहुत खराब श्रेणी में अधिक गिर गया है। शुक्रवार को CPCB रिपोर्ट में दिल्ली के आसमान पर जहरीले धुएं की मोटी परत छाई हुई है और दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में AQI 300 से 400 के बीच रहा, जो आदमी के स्वास्थ्य को जोखिम पैदा करने वाला है। दिल्ली के 24 हॉट स्पॉट में कहीं भी 300 से कम AQI स्तर नजर नहीं आया, जो आने वाले समय में दिल्ली वालों के लिए खतरे की घंटी है। खास तौर पर आनंद विहार, चांदनी चौक, सोनिया विहार, बवाना, जहांगीरपुरी और नॉर्थ कैंपस में AQI का लेवल 390 से 400 के गंभीर स्तर पर बना हुआ है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। वही राजधानी दिल्ली और NCR में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 4 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली में दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। कोर्ट ने पटाखों पर बैन के बावजूद उनके इस्तेमाल पर गहरी आपत्ति जताई और पूछा कि अगले साल इस प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। केंद्र से स्पष्ट रुख अपनाने को कहा। असल में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR के वायु प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार से पराली जलाने की घटनाओं पर भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने पिछले 10 दिनों में हुई पराली जलाने की घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पंजाब सरकार ने पराली
प्रबंधन के लिए केंद्र से फंड की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से स्पष्ट रुख अपनाने को कहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार एक हफ्ते के अंदर इस मांग पर निर्णय ले और 14 नवंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी। वही सुनवाई के बाद परिसर के बाद सीनियर वकील HS फुल्का ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली पर पटाखों के प्रतिबंध के पालन में आई कमी को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि इस प्रतिबंध का पालन क्यों नहीं हुआ। इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। यानी कुल मिलाकर अब अगर दिवाली को दोष दिया जा रहा है तो इस समस्या का समाधान कभी नहीं होगा और हवा और ज्यादा जहरीली हो जाएगी। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।